स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम आपको नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, यूपी पंचायत सहायक DEO रिक्वायरमेंट 2021। दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 58,189 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आज 27/7/2021 को ये जानकारी यहाँ पर प्रकाशित की गई है। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि यहाँ पे डेट आ चुकी है, और डेट कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2/8/2021 यानी 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। ये जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं होना है, इस बार ऑफलाइन बेस पर आप आवेदन जमा कर पाएंगे। और आपको आवेदन कहाँ और कैसे जमा करना है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 24 से 31/8/2021 तक आपकी बनाई जाएगी। एज लिमिट 1/7/2021 तक रखी जाएगी। एज लिमिट क्या होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसके मेरिट बेस पर यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है और पंचायत सहायक की जो यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल 58,189 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसकी PDF के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है इसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक PDF है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश की जितनी भी समस्त ग्राम पंचायतें हैं उनमें हर एक पंचायत में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और पंचायत सहायक की जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप पोस्टों की संख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पे 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें सभी में जो है यहाँ पे एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी रखी गई है। तो इनमें सबसे पहले लाभ किसको मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम बता दें कि सभी पंचायत के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना है आपको, अपनी पंचायत में बैठकर जो है समस्त सेवाओं का यहाँ पे संचालन करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे समस्त ग्राम पंचायत में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। उपयुक्त सभी ग्राम पंचायतों में जो है समस्त कार्य यहाँ पे ऑनलाइन कराने करने के लिए आपको यहाँ पे बैठाया जाएगा। यहाँ पे इसमें कौन कौन से कार्य आपको किए जाएंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस, जितने भी ऑनलाइन सर्विस होते हैं जिसमें CSC में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे सभी कार्य आपको यहाँ पे करने होंगे। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले सहभागिता किसकी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर जो है यहाँ पे खोले जा रहे हैं हर पंचायत में। इसके बाद BC सखी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि BC सखी हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, और CSC सेंटर जो के उप संचालक हैं उनके लिए भी यहाँ पे हो सकता है थोड़ी यहाँ पे प्रोसेस हो जाए। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर यानी पंचायत सहायक और अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो चयन की जो आवश्यकता है वो यहाँ पे आपकी मेरिट बेस पर जो है यहाँ पे तैनाती की जाएगी। मेरिट बेस पर आपकी लिस्ट बनेगी और यहाँ पे तैनाती की जाएगी। और इसमें आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे जो मानदेय की बात है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। PDF के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मानदेय की बात भी कही गई है, यहाँ पे मानदेय की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जिसमें संविदा पर अपनी सेवा ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम पंचायत द्वारा जो है सेवाओं में के बदले में उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। ये जो सर्विस है ये अभी MP में स्टार्ट हो चुकी है। इसमें महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में जो है कुछ पंचायतों में 5,000 पंचायतों में जो है इसकी कार्य पूर्ण किया जा रहा है। 5,000 ग्राम पंचायतों में जो है समस्त पंचायतों में काम चालू हो चुका है। लेकिन मानदेय की बात करें तो यहाँ पे MP में अभी भी किसी को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में जो है ये सर्विस चालू की जा रही है। अब इसमें सभी पंचायतों में जो है आवेदन किए जा रहे हैं। ये जो आवेदन है ये ऑफलाइन आवेदन है। इसकी जो PDF है इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे ये PDF है
जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जिसमें यहाँ पे लिखा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। ये जो आवेदन पत्र है इसे आपको प्रिंट करना है, इस पर फोटो लगाना है, समस्त आपकी जो योग्यताएं हैं वो इस ऑप्शन में लिखनी है, और इसे जो है आपको अपनी नज़दीकी जो आपकी पंचायत है उस पंचायत में जाकर जो है ये जमा करना होगा। जमा करने के बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी जो कि आपके बोर्ड पर चस्पकी जाएगी, और उसकी जानकारी भी आपको पंचायत से मिल पाएगी। तो इसका आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए सॉरी इसका जो ऑफलाइन आवेदन है वो कैसे कर पाएंगे, कैसे आपको भरना है, इसके लिए भी हम एक वीडियो आपको दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मुख्य डेट की बात करें कि कौन कौन सी डेट में क्या होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 30 से 30 जुलाई 2001 से 1 अगस्त 2021 तक